कुछ बहनों को जिन्हें गुप्त रूप में पानी पीने की बीमारी है, जिसे हम पानी कहते हैं, वो गुप्त रोग से ही है। अब जो कोई भी हो अपने पेट पर हाथ रखो। हालेलुया, जे सिस्टर की गवाही जे, जे अलग अलग गांव के रहने वाले और इनकी गवाही जे, जे सिस्टर सुल्तान विंड से जो फर्स्ट में, और जे सिस्टर की गवाही जे, जे बता रहे कि इनको 2 साल से पानी पीने की प्रॉब्लम थी लकोरिया के, जिसके कारण इनके पेट में दर्द रहती थी और ये काफी परेशान थे, पर ये प्रभु में काफी समय से चल रहे थे और ये विश्वास में बने थे कि परमेश्वर आप मुझे इस प्रॉब्लम से आजाद कर चुके हो, और इस वचन के साथ जे धन्यवाद देते रहे और जे बता रहे कि जैसे ही पिछले थर्सडे प्रभु के दास के मुख से इनके लिए बोला गया तो इन्होंने उस दिन रिसीव किया, तो जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, और जो सेकंड सिस्टर है वो जयंतीपुर से, तो इनकी की भी गवाही जे है, जे बता रहे कि इनको 3 महीने से पानी पीने की प्रॉब्लम थी और इनके भी पेट में दर्द रहता था, जे भी बहुत परेशान हो चुके थे, और सेकेंड थर्ड जे सिस्टर भी सुल्तानविंड से, और इनको 1 महीने से जे प्रॉब्लम थी और जे भी सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे इस प्रॉब्लम के कारण। जैसे जे तीनों सिस्टर थर्सडे की मीटिंग में आए, प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया था कि जिनको पानी पीने की लकोरिया की प्रॉब्लम है वो आजाद होने वाले। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। कुछ बहनों को जिन्हें गुप्त रूप में पानी पीने की बीमारी है, जिसे हम पानी कहते हैं, वो गुप्त रोग से ही है। अब जो कोई भी हो अपने पेट पर हाथ रखो, रखो पेट पे हाथ रखो, जिनको मैंने कहा था रखो रखो, जितने भी लोग हैं जिनके साथ ऐसे होता है, जिन्हें ये गुप्त रोग की प्रॉब्लम है, जिन्हें पानी पीते हैं, कुछ बहनों को ये दुष्ट की बीमारी है, मैंने कहा ये दुष्ट की बीमारी है, आप एक साइड पे आ जाओ, आज परमेश्वर आपको डिलीवर करने वाला है, फ्री करने वाला है। उठाओ उठाओ उठाओ, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मेरे पीछे बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जो आज तूने मेरे लिए जो बोला है, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, मैं निश्चय अपनी गवाही से आऊंगी, मैं निश्चय अपनी गवाही से आऊंगी, आज तेरे वचन के द्वारा मैं छुड़ाई जा चुकी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, आज मैं तेरे वचन के द्वारा छुड़ाई जा चुकी हूँ। तो जैसे ही इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जे बता रहे कि जे तीनों ही इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद हो चुके, हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया इस गवाही के लिए। सुनो 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 सुनो, अपने अभी इस वीडियो क्लिप में देखा कि कम से कम 15-16 लोग हैं एक ही प्रॉब्लम की, बोलो क्या है, एक ही प्रॉब्लम की, तीन लोगों की, तीन सिस्टर की इस संडे दी थी ना गवाही, तीन आज हम फिर सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? अभी उस 15-16 लोगों में से जो एक ही प्रॉब्लम के सब क्या है शिकार है, 6 लोगों को परमेश्वर ने डिलीवर कर दिया, फ्री कर दिया। बोलो क्या कर दिया? 6 लोगों को क्या कर दिया? उस प्रॉब्लम से डिलीवर कर दिया, फ्री कर दिया। और जो बाकी बचे हैं वो धन्यवाद दो, क्या दो? वो धन्यवाद दो परमेश्वर, इस संडे मैं भी अपनी गवाही से आ चुकी हूं। क्या आ चुकी हूं? मैं भी आ चुकी हूं। अगर संडे नहीं है, अगर थोड़ा आगे जाओगे, पर 100% आप अपनी गवाही से आओगे। आमेन। इसीलिए बाइबल में लिखा, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्या रहे? ऐसा नहीं कि इनको परमिशन इशू हुआ, इनको डिलीवर कर दिया और वो आपको नहीं करेगा, क्योंकि उसने इक्वल हम सबसे बराबर प्रेम किया, ऐसा नहीं इनसे ज्यादा किया है, आपसे कम किया है, उसने इक्वल बराबर प्रेम किया है। ठीक है, तो आपने धन्यवाद देना है प्रभु को अपने मुंह से कि यस मेरे परमिशन, तो मेरे पापों के लिए
जगत के लिए तू मारा गया है, खाना गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठाए, और तूने मुझे इस बीमारी से अपने लहू देकर अपना मुझे भी छुड़ा लिया है। क्या छुड़ा लिया है? मुझे भी छुड़ा लिया है। आमेन। ये फर्स्ट जो फर्स्ट है, ये इन्हें ये प्रॉब्लम कितने साल से थी? दो साल से थी। और इस प्रॉब्लम के कारण क्या रहता था? इन्हें प्रॉब्लम दर्द रहती थी। जब दर्द होती तो फिर आप मेडिसिन वगैरह लेते थे? क्यों सिस्टर माइक तो नहीं? एक ही बार खाते थे। हाँ, परमेश्वर से भरोसा, हमें भरोसा रखते थे। हाँ, अगर भरोसा रखा तो खुदा ने चंगा कर दिया है। तारीफ करो, हालेलुया। और कैसे देखो इन सबको, ये इनकी सेकंड जो इनकी प्रॉब्लम कितने साल? तीन महीने। और आगे इनकी थर्ड? एक महीने से। है ना? तो परमेश्वर सच्चा है, बोलो क्या है? वो पक्षपात नहीं करता, वो सबसे प्रेम करता है, मगर सबके मन क्या होने चाहिए? एक जैसे। क्या होने चाहिए मन? सबके एक जैसे। और मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि जिस परमेश्वर ने हमसे सबसे प्रेम किया है, वो सब यीशु के नाम से आजाद है। यहां से मैंने कहा वो आजाद है यीशु के नाम से। तारीफ करो ऊंचा उस परमेश्वर के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए, मैंने कहा अपने हाथों को उठाते हुए।